अब टिंडे की सब्जी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार सिंपल तरीके से बनने वाले टिंडे की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, टिंडे की सब्जी बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1/2 kg टिंडे लिए हैं और इसको मैंने इस तरह बारीक स्लाइस में काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज की प्याज लिए और इसको बारीक चॉप कर लिए हैं। 1 टमाटर लिया और इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 6 से 7 मैंने साबुत सब्ज मिर्चे लिए हैं। 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक हम टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच हमने लिया है लाल मिर्ची पाउडर। 1 चम्मच हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर। 3 से 4 चम्मच हमने यहाँ पे दही लिया है। तो चलिए, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने एक बर्तन में 5 चम्मच ऑयल के डाले थे, अब सबसे पहले इसमें डालेंगे हम जीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 20 सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे। जीरा जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी हम 20 सेकंड के लिए ही इसमें फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अब हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, अब प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्ची पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। फ्रेंड्स, अब मसाला जो है वो रेडी हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे टिंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मसाले में भून लेंगे। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक हमने टिंडों को मसाले में अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज मिर्चें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैंने एक कप पानी डाल के टिंडों को पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसको 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि टिंडे भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए। फ्रेंड्स, 20 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। फ्रेंड्स, अब देखें पानी भी खुश्क हो गया है और टिंडे भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें, बहुत अच्छे सॉफ्ट हुए हैं टिंडे। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टिंडे की सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी मज़ेदार सिंपल तरीके से बनने वाली टिंडे की सब्जी रेडी है। ये देखें, माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ही मज़े की ये सब्जी बनी है। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down.